सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल यार आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हस्तर के साथ। सो रिसेंटली हस्तर ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक वीडियो अपलोड करी, व्हाई ही लेफ्ट एसटीएल फैमिली, एंड उन्होंने विजुअल वे में जो भी वह सब रिवील किया, एंड इसके साथ साथ कुछ यूमर्स का जवाब दिया, जैसे कि वो फेम के लिए एसटीएल में नहीं थे, एंड अगर उनको ऐसा करना होता तो वो व्लॉग में बड़े क्रिएटर्स को मेंशन करते, एंड वो मेन की फैक्टर ब्रांड डील्स थी जिसकी वजह से उन्होंने लीव किया। आप में से बहुत सारे लोग जो है हमारे डीएम्स और कमेंट सेक्शन के अंदर आए थे और बोल रहे थे, हस्तर भाई आप फेम डिगर हो, आपने गलत किया, आप फेम के लिए गए थे, ज्वाइन करके छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये पहले क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। तो ऐसा है यार, मैं ई-स्पोर्ट्स के अंदर 4 साल से हूँ, बहुत सारे कांड हुए होंगे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन व्यूज दे के फेम ले सकता था फ्री फोकट का, बट मैं कभी नहीं किया। उसके बाद में यार मैं मुंबई के हाउस में 2 महीने के लिए रहा। उसके बाद मुंबई के घर के अंदर मैं 2 महीने रहा, उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया। मैं चाहता तो वहां पर रह के ब्लॉग बना सकता था, टाइटल के अंदर किसी का नाम चिपका के फेम ले सकता था, बट वो मैं नहीं किया क्योंकि अपने को था कि हम खुद अपने दम पे ग्रो करेंगे। तो मैं यार बोलूंगा, मैंने आपके भैया को बोला था कि भाई मेरे को वीडियोस बनाने आते हैं, वीडियोस के आइडियाज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस उनको एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप ब्रांड्स ला दोगे क्या? उन्होंने बोला हाँ ब्रांड्स हम कर देंगे। उसके बाद से अभी तक यार अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल के ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हो कि 6 महीने के अंदर एक भी ब्रांड नहीं थी, जब तक मैंने काम किया वहाँ पे तो कोई भी ब्रांड नहीं थी। बट हाँ, तो 6 महीने तक कोई भी ब्रांड नहीं आई, जबकि मैं 300 के व्यूज ला रहा था कंसिस्टेंटली, चैनल अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो उस टाइम पे यार 6 महीने तक अगर ब्रांड नहीं आया ना, तो क्रिएटर के लिए काफ़ी ज़्यादा वो डिमोटिवेटिंग रहता है कि यार काम कर ही क्यों रहे हैं अगर काम को प्रेज नहीं मिल रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम ऋषि भाई के बारे में। सो अगर कम्युनिटी में हम बात करें सबसे ज्यादा मैच्योर वे में चीजों को हैंडल करने वाले किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, तो इट्स ऋषि भाई। एंड अभी हाल ही में रूमर चल रही है कि गॉड लाइक और आरएनटी ने टीम अप किया, एंड इसी रूमर पर ऋषि भाई मैच्योरली रिप्लाई करते हैं एंड प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। लाइक टीम्ड अप विद आरएनटी टू एलिमिनेट जी एंड विन ट्रॉफी, दे हैव बीन डूइंग दीस थिंग्स होल टूर्नामेंट्स, ओमेगा गिव अ हिंट अबाउट दिस ऑन स्ट्रीम एंड एक्सोफियस अग्री। लुक, टीमिंग अप इज नॉट अलाउड, बट हॉट ड्रॉपिंग इज एब्सोल्युटली लीगल। देयर इज नो रूल दैट सेज यू कैन हॉट ड्रॉप। मैंने ये पहले भी बोला हुआ है, 16 टीम है एंड 14 लोकेशंस है, किसी ना किसी को तो हॉट ड्रॉप करना ही पड़े। मैप है यार, वो गेम का वही तो ऑब्जेक्टिव है, फिनिश लो और आगे जीतो। लाइक इट डजंट मैटर हाउ यू डू इट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट चीटिंग, एंड आई डोंट थिंक दैट्स चीटिंग। व्हाट दे डिड वाजंट चीटिंग, दे डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, दे डिड व्हाट दे हैड टू विन। एवरीवन इज गोइंग टू डू व्हाट दे हैव टू डू विन, एज लॉन्ग एज यू विन फेयर एंड स्क्वेयर विद योर स्किल, विद योर टैलेंट, विद योर गेम प्ले, गो फॉर इट मैन। लाइक दे से इट्स ऑल फेयर एंड लव एंड वॉर। अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं पीएमडब्ल्यूआई के बारे में। सो पीएमडब्ल्यूआई के रिगार्डिंग अगर हम बात करें पीएमडब्ल्यूआई स्क्रिम्स की, तो सोल हमें वो खेलती नजर नहीं आ रही है। अब जब उनसे इसका रीजन पूछा गया तो उनका रिस्पॉन्ड ऑन द सिनेरियो आप देख सकते हो। स्क्रिम्स के लिए इनवाइट आ रहा है, हमें डेली इनवाइट आ रहा है, प्लेयर ने सेटअप भी कर रखा है, बस गेम खोल के खेला नहीं है, कुछ सीन रहता है तो वो गेम चलती नहीं है। इंडिया में बैंड है करके गेम चल नहीं रही है, आई डोंट नो कैसे प्रैक्टिस होगी। तो बेसिकली यही है कि VPN एंड ऑल का यूज काइंड ऑफ इलीगल चीज़ है, तो वो हम नहीं कर सकते। प्रैक्टिस कैसे होगा, वो उधर जाके ही होगा मोस्ट लाइकली। VPN यूज़ करो लीगल है, आई डोंट थिंक VPN लीगल है। ओके, तो ऐसा है कि हमें ऑफिशियल से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिस के लिए कैसे करें प्रैक्टिस एंड ऑल, तो अगर वो कंफर्मेशन दे देते हैं हमें तभी हम कर सकते हैं यूज़। एक बार उनसे कंफर्मेशन लेने के बाद ही कर सकते हैं सब। रियाद चले जाओ, उसके बाद देखते हैं। रियाद की टिकट उधर से ही आएगी, हम नहीं कर सकते अपने साइड से कुछ, क्योंकि एक अपने साइड से करेंगे तो वीज़ा एंड ऑल लगेगा। भैया ऐसा नहीं है ना कि हम यूपी में बैठे हैं और हमें हरियाणा जाना है तो चल दिया उठ के, अरेंजमेंट्स लगते हैं किसी बाहर कंट्री में जाने के लिए। और सब नेक्स्ट लैन इवेंट जो हो रहा है उसमें एक्चुअली मॉर्टल खेलने वाले थे गॉब्लिन की जगह, बट गॉब्लिन का जब सीन सॉर्ट हो गया तो वापस से अब गॉब्लिन ही खेलेंगे। तो अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं हम लैन इवेंट के बारे में। सो पबजी प्लेयर्स का बांग्लादेश में लैन इवेंट हो रहा था, बट वहां की पुलिस ने वहां के मैनेजमेंट और प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया क्योंकि लैन इवेंट करवाने की यार कोई भी परमिशन उन्होंने नहीं ली थी। सब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं प्लेयर्स और टीम चेंजेस वाले सिनेरियो के बारे में। सो जैसा कि लीक्स आ रही थी, वीरू हमें दिखेंगे रैकनिंग में ज्वाइन होते हुए, एंड रिसेंटली वीरू हमें रैकनिंग में ज्वाइन होते हुए नजर आए, बट
बट वीरू एडसेफ इस इवेंट के लिए रेकनिंग में ज्वाइन हुए एंड अभी भी उनको एक टीम चाहिए। और सो स्काउट की एक सेकंड लाइनअप हमें देखने को मिली जिसमें स्काउट एस किटी द आईजीएल ह्यूमनॉइड डार्क लॉर्ड और नोवा गॉड खेलते हुए नजर आए एंड जीसी की लाइव स्ट्रीम से ये कंफर्म हुआ कि किटी स्काउट है। भाई अपने को जाना है फेरी, किधर से गाड़ी लेके चाहिए यहां से गाड़ी फेरी फेरी पे वो ठीक है थर्ड वाई वाली टीम आ सकती है। कौन सी वाली थर्ड वाई नई टीम ब्रिंग अप वॉइस चैट कौन सी टीम है स्काउट थर्ड वाई TX अबे ओ ना टीम जीरो ह्यूमनॉइड और वो सब ह्यूमनॉइड वो किटी स्काउट वाई है। हां किटी स्काउट वाई है। तो बस आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी मैं भी शर्त और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।